हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इधर मैं परचेज़ कर रही हूँ वन ऑफ दी कूलर, क्योंकि गर्मी बहुत है और बर्दाश्त के बाहर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कूलर लेने के लिए देखा। और मैं पहुँच गई हुजाई में, लीला बत्ती इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मुझे यहाँ पर दिखा ये वाला कूलर क्रोमटॉन का, जो कि एक्चुअल MRP है इसकी 70,000 एंड आई गॉट ओनली एट रुपीज़ 15,000। तो हुजाई का एक्सप्लोरेशन है। और बाय द वे ये वाला व्लॉग होगा दो अलग अलग दिन का कंबाइन। तो यहाँ पर हम रेस्टोरेंट में पहुँच गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और ये रेस्टोरेंट का मेन्यू है हुजाई में, तो अब देख लो जल्दी से, एंड उसके बाद देखोगी हमारे मस्ती। क्या हुआ, क्या हुआ सभी, क्या हुआ? खाना नहीं दे रहे। बोलो कब खाना देंगे? खाना दो बोलो। जीनू बोलो पिज़्ज़ा खाना है। और क्या खाना है? बिरयानी खाएंगे, चिकन खाना है। और क्या खाना है? बगारा खाना है। एंड इधर हादसा हुआ यूँ कि मैंने प्यार से अपने हब्बी को खिलाया, एंड वो उनको इतना मिर्ची लग गया कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सुना दिया मुझे। एंड इतना सुनाया कि मैं एकदम शॉक रह गई कि हुआ कि आखिर उनको। बहुत ही ज़्यादा फनी मोमेंट था उस टाइम। आपको क्या हुआ? इधर आइए, पास आइए। आप बोलिए क्या प्रॉब्लम क्या है? बहुत मिर्ची था, बहुत तीखा था, खाने को नहीं आया। हमने तो पूरा मेरा मुँह जल रहा है। मैंने आपको जानबूझ के नहीं खिलाया, भाई मिस्टेक से चला गया। भाई मिस्टेक से वो मोमोज की चटनी ज़्यादा चली गई। देखने में इतनी लाल है। मैंने सोचा टमाटर की चटनी होगी, पहले मैंने खा लिया, फिर बाद में मैंने आपको एक स्पून खिलाया। अभी कुछ और खा लीजिए। कुछ और, एक बिरयानी ऑर्डर कर दीजिए। लस्सी भी तो पी है ना आपने। इतना कुछ जो आपने मुझे सुनाया है उसका क्या सॉरी बोलना चाहते हो आप? अभी आप सॉरी फील नहीं कर रहे हो? हाँ, सॉरी फील नहीं कर रहे हो? आप बोलो सॉरी। मैंने तो पहले ही बोल दिया ना, बाय मिस्टेक से चला गया वो। आपको मिर्ची लगाने के लिए आई एम वेरी मच सॉरी। चलो मैंने ना बात कर लिया था। सबिया डैडी का ये मुंह देखकर पहली बार मैंने देखा ये डैडी का मूड। ये मूड देखकर डैडी का सबिया शॉक क्या हो गया। मेरी मम्मी ने एक कुछ खिलाया क्या कुछ बक दिया ना मम्मी को, क्या कुछ सुना दिया। मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं इतना कुछ इनके मुंह से, सिर्फ एक मिर्ची की वजह से आपने इतना कुछ सुना दिया। हाँ बताओ ज़रा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मिस्टेक क्या है? मैंने सोचा टमाटर की चटनी की जैसा होगा, एंड मोमोज की चटनी इतनी भी मिर्ची स्पाइसी होती है। अभी कुछ और खा लीजिए, ठीक है। एंड देन आई सर्च फॉर अ पार्लर, और मुझे मिल गया आज ये पार्लर का लोकेशन। तो ये हुजाई में पार्लर है, जो कि बहुत ही अच्छा है फॉर लेडीज़। यू कैन गो एंड चेक आउट योर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। और मुझे यहाँ पर वेट करना है फॉर 10 मिनट्स। तो अभी वापस चले जा रही हूँ मैं अपने घर, और जाते जाते मैंने यहाँ पर सुगर खेन का नेचुरल ड्रिंक भी ट्राई कर लिया, और अभी आपको देखने को मिलेगा अलग दिन का अलग शूट। गाइस अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग सब। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोज जैस्मिन। तो आज का दिन स्टार्ट होता है बाय रिसीविंग वन ऑफ माय पार्सल फॉर माय किड्स, और जल्दी से आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिसीव करती हूँ वो पार्सल। बहुत ही एक्साइटेड हूँ वो पार्सल रिसीव करने के लिए, बिकॉज आई ऑर्डर दैट फॉर माई किड्स। देखते हैं कैसा मिलता है, क्या होता है क्या नहीं। तो आई विल गेट बैक टू यू। चुप आप लुंगी पहन के आया कि वीडियो बना। तो यहाँ पर पार्सल घर तक नहीं आता है, तो भैया को साथ में लेकर आई हूँ मैं। ऐसा बोल के लेके आया, ऐसा खुली पता था आप साथ में नहीं आओगे, इसलिए मैंने कहा। से तो हम शर्ट पहन कर आते थे राइट, जो भी हो लुंगी पहन के गेंजी पहन के। मुझे पता था ऐसा बोलूंगी तो आएंगे नहीं, ज्यादा मोशन करेंगे। सीरियसली बोला क्या हो गया, अचानक जल्दी आओ, 1 मिनट के अंदर सामान आ गया। तो छोटा मोटा प्रैंक तो बनता है ना, पता है आपको बुलवाने का मुझे तरीका आता है। 2 दिन हो गया ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा आइडिया करूंगी और नहीं होगा। अभी चल कर जाना है घर में। एक छोटा मोटा पार्सल के लिए भी इतना चलकर जाना पड़ता है यहाँ पर, है ना। एक्चुअली ऐसे नहीं, तुम अच्छा से उसको एड्रेस नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारा गलती था। मैं अच्छे से बोली, वो लोग समझते नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज अलग है। कोई हिंदी बोलता, सीख लो आप, बंगाली बोलो आप, सिखाओ। हाँ, आपको पता है आपका फायदा हो रहा है, आपका एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। हाँ, बात तो वैसे भी आपको नहाना है ना। इतना जल्दी आ गया क्यों तुम, इतना अचानक बोला 1 मिनट के अंदर आओ, जल्दी आओ, बस आ गया। असमी इजी है, सीख लो। अगर असम पे रहना है तो असमी सीखना जरूरी है। और आपको लाती नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाती। इतना भारी वाला मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। ये चीज़ छोटी है और मतलब इतने बड़ा पैकिंग करके दे दिया है। आई एम हैप्पी विद द अमेजोन पैकेजिंग, बट यहाँ पर डिलीवरी का बहुत इशू हो रहा है। जो डिलीवरी गाय हैं और जो सर्विस है कंपनीज में वो बड़ी ख़राब है। बाकी इन जनरल इतना ज़्यादा नहीं होता। ऐप्स का जो प्रोसीजर है दैट इज़ गुड। 16 और 17 को इनका था डिलीवरी का डेट, बट आज 10 है ना या 9 है। हाँ, टुडे इज 9 अगस्त, उससे पहले आ गया है तो अच्छा ही है। पर प्रिपेयर रहना पड़ता है ना भैया, आज ये पार्सल आने वाला है तो ऐसा चाहिए। हाँ, प्रिपेयर रहना पड़ता है। पर यहाँ पर अचानक सडन आ जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है, जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम रिसीव नहीं करेगा तो नेक्स्ट दिन जितना डेट पे है उसमें लेके आएगा। नहीं आता है, एक पार्सल वैसे ही चला गया, इसलिए डर के मारे मैं जल्दी निकली। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप तो आ जाते सकते हो जैसे भी। मुझे पहनना पड़ता है अपना आउटफिट जो अपना है, यूनिफॉर्म। ये गांव है, खुद का जगह है, तो इतना नहीं पहनो कोई चलेगा, बट काइंड ऑफ शाइनेस इसलिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग का फैमिली का रिस्ट्रिक्शन जो है वही मानना पड़ता है, तो अच्छा है। देख देख के सब सीख जाएगा, बच्चे लोग भी सब सीख जाएंगे। चलिए घर तक पहुँच गए पार्सल को लेके। नाउ आई विल अनबॉक्स दिस पार्सल एंड एडजस्ट इसको। मम्मी बोल रही है सब नाटक की क्या जरूरत है, बच्चों की खुशी के लिए ऑब्वियसली ये सब चलता है राइट। और मतलब यही दिक्कत हो गई है कि छल कर वहाँ पर जाकर लाना पड़ता है, तो जल्दी से करो या मैं करूंगी। हम इस बार गया, नेक्स्ट बार वो बोला लेके आएगा, अच्छा से उसको एड्रेस देना पड़ता है। सिखा दिया है, पढ़ा दिया है इन्होंने, और 20 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा दे दिया हमने, उनको पे कर दिया है, तो अब आ जाएंगे। करप्शन इस सब जगह मतलब हर फील्ड में है। नहीं देखो, आज 20 रुपीज़ दिया, नेक्स्ट टाइम इतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं, घर पे आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज देने का ज़रूरत नहीं है। हम उसको आसान से हो जाएगा और इतना दूर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलिए निकालिए। ये मेरा नहीं है, दिस इज़ अ नेशनल चैनल। कहाँ है ये सीजर, इसे कट करिए। इनॉग्रेशन अच्छा अच्छा अभी आप लोग बताना मुझे, ये सेइंग कि मैं मोटी हूँ, इनसे ज्यादा मोटी तो जो भी सच्चे व्यूवर्स है ना कमेंट में जरूर सच बताना इनसे ज्यादा मोटी हूँ मैं या ये मुझसे ज्यादा मोटे हैं, हु इज मोर फैटर, ओके बता देना कमेंट में जरूर बताना, देखना चाहती हूँ मैं कौन सच बोलते हैं। हम सबसे हल्का पतला है मेरा खानदान के, जितना हम लोग का कजिन है सबसे हल्का पतला मैं हूँ, वो तो मुझसे 10 किलो ना कितने ज्यादा। यही बात इन्होंने बोला था कि मतलब इनका वेट 75 या 79 है कुछ, मेरा तो 60 जो सच है वो आई एम 69। हम 68। अच्छा 1 किलो तो कम है। झूठ बोल रहे पता है सबको। वेट मेजरमेंट का वो लाकर भैया का तो 1 क्विंटल कितना है उसका बाद और भी है, उसका भी है। अच्छा जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है गांव का, दैट आई एम इन गांव, वो वाले में एक भैया है जो आम तोड़ के दे रहे हैं, उनका वेट कितना है 100 किलो से ज्यादा है। लेकिन सब ये सब मतलब खड्डा खाते पीते खानदान से हम लोग, हम तो पतला है, हम तो ज्यादा खाते हैं, खाते पीते खानदान से देखो बॉडी मेंटेन करना। हाँ इतना अच्छा बहुत अच्छा बॉडी मेंटेन, मेरे काम में आ रहे हैं आप, दैट इज गुड फॉर मी, ठीक है। बस आप कितना भी वेट बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कमेंट में जरूर बताना कौन दिया था, लेट्स सी। तो ये बेसिकली इसका एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं, यहाँ पर है दिस इज अ स्लाइड, दिस इज कॉस्टिंग रुपीज 3650। क्या तारीफ चाहिए आपको, बताओ नहीं क्या चाहिए, क्या व्हाट डू यू वांट। आई एम एक्सपर्ट बस, यू आर जस्ट अ महा एक्सपर्ट राइट, यू वांट अ टाइटल ऑफ एक्सपर्ट। हो गया कुछ भी देने में क्या फिक्र, कौन सा हम मेडल दे रहे हैं है ना। तो ये वाला जो स्लाइड है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से मिल गया है, जो कि आप लोगों ने देख लिया है एंड माय किड्स आर वेरी मच हैप्पी अभी तक, और अच्छे से इसको मतलब लगा दिया है ना। और जेहान और सबिया इज प्लेइंग नाउ, बस अच्छे से खेलो, मम्मा ने लाके दे दिया है बिफोर योर बर्थडे, प्री बर्थडे गिफ्ट मिल गया है आपको राइट। तो सबिया का बर्थडे है 13 अगस्त और आज हो रहा है 9 अगस्त, तो उससे पहले ही मम्मा ने दे दिया है। तो सबसे पहले कौन है आगे गिफ्ट के लाइन में, मम्मा इज ऑलवेज फर्स्ट है ना बेटा। सुनने में नहीं है, खेल रहे, खेलो आप लोगों के लिए है, बस खेलते रहो। क्योंकि देखो हैदराबाद में कार्स थे, साइकिल था, सब कुछ था, वहाँ पर खेल लेते थे, पार्क में भी चले जाते थे, नीचे आउटिंग करते थे। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, इंटरस्टेट लगा हुआ है, लॉकडाउन कर्फ्यू है, कहीं जा नहीं सकते सच में, और गांव में घर को छोड़कर भी नहीं जा सकते, घर में खेलते खेलते बोर हो जाते हैं, बाहर जाने की जिद करते। तो मैंने सोचा एक ऐसी चीज़ लाते हैं जो इनको बिजी रखेगा घर के अंदर। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला चॉइस जरूर बताना मुझे कमेंट में, एंड वेट का भी बता देना, देखते हैं पता नहीं जिसका भी हो, मेरा तो काम चल गया ना। लाइफ में ऐसे ब्रदर होना बहुत जरूरी है जो आपकी बात सुनते हैं। अभी क्या हुआ, लड़ो मत, डोंट फाइट। अच्छा उसको उल्टा उठने में मजा आता है, उल्टा उनके डैडी भी ऐसे ही है, हर चीज उल्टी करते हैं, पहले उल्टी नहीं मतलब वो वाली उल्टी, वॉमिटिंग नहीं, उल्टी मतलब सीधी चीज़ नहीं करते हैं वो, हर चीज़ मतलब उनको पहला क्या करते हैं वो, ड्राई जब करते हैं ना तो वो गलत करते हैं, फिर बाद में जाके राइट करते हैं। तो उन्हीं का बेटा है, अभी है नहीं वो जा रहे हैदराबाद पहुंच चुके होंगे, अभी मैं मिस नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट मिसिंग हिम। है ना? यस मॉम। आप लोग मिस कर रहे हो डैडी को? हाँ, डैडी को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। हाँ? हाँ। तो थैंक यू किसको बोलना चाहते हो, डैडी को या मम्मा को? थैंक यू फॉर दिस स्लाइड। मत बोलो नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, खेलते रहो। एंड अभी ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। बिग बॉस OTT स्टार्ट हो गया है, जिसमें अब सलमान खान नहीं है, करण जौहर है, मूड पर है। जो भी नहीं देख रहे जाके जल्दी से देखो। एंड नाउ जो करना है करो, अच्छे से रहो, सेफ रहो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।